क्या आपको भी मेरी तरह ये चीज़ी फ्राइज पसंद हैं? और अगर आपको ये भी पता लगे कि इसमें बिल्कुल ज़रा सा तेल लगाया हुआ है, ये फ्राइड भी नहीं है, तो आप इन फ्राइज़ को ज़रूर ट्राई करना चाहेंगे ना? तो मैंने ये फ्राइज़ को ट्राई किया और ये बहुत बहुत बढ़िया बनी। आइए मैं आपको इनकी आवाज़ भी सुना देती हूँ। तो है ना एकदम क्रिस्पी फ्राइज़, वो भी बिल्कुल ज़रा से तेल के। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप मेरी बात सुनकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, और प्लीज़ वीडियोस को और भी लाइक करिए और ज़्यादा कमेंट करिए। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने को मिलती रहेंगी। एक सेकेंड लगेगा, रेड कलर का बटन है उस पर क्लिक कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। आइए देखते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले आपने लेना है ठंडा पानी और इस तरीके से कटी हुई फ्राइज़। तो आपने आलू को बिल्कुल इक्वल साइज़ का काटने का ट्राई करना है, लंबा लंबा इस तरीके से काट लीजिए और बिल्कुल ठंडे पानी में इसको डाल दीजिए। हम ये इसलिए कर रहे हैं ताकि जो इसका स्टार्च है, जो ये वाइट वाइट है, वो निकल जाए। आप इसे अच्छे से हाथों से मलिए, आराम आराम से मलते रहिए ताकि जो इसका वाइट स्टार्च है वो निकल जाए। अब मैंने इसे अच्छे से मिक्स करके रख दिया है 10 मिनट के लिए साइड पर। अब लिया है मैंने बिल्कुल उबलता हुआ पानी, एकदम गरम गरम पानी है, तो मैंने ठंडे पानी से निकाल कर 10 मिनट के बाद इन्हें डाल दिया है गरम पानी में। अब गरम पानी में डालने से क्या होगा, ये थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाएंगी और जो भी इसका एक्स्ट्रा स्टार्च है वो भी निकल जाएगा। अब 10 मिनट के बाद मैंने ये पानी को भी छान लिया है, अच्छे से इसका पानी निकल जाना चाहिए फ्राइज का। अब हम इन्हें सुखाएंगे। तो आप इस तरीके से एक प्लेट ले लीजिए, प्लेट के ऊपर आप सारी की सारी फ्राइज को डाल लीजिए, अच्छे से फैल जानी चाहिए आपकी फ्राइज। अब इसे आप फैन के नीचे सुखा दीजिए आधे घंटे के लिए। अब आधे घंटे के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा ऑयल, बिल्कुल जरा सा तेल हम इसमें डालेंगे। ये डाल रही हूँ मैं इसको फ्लेवरिंग देने के लिए, थोड़ी सी लाल मिर्ची, ये कश्मीरी लाल मिर्च है जिससे कलर आता है, बहुत ज़्यादा तीखा नहीं होता। अब इसे आप अच्छे से कर दीजिए मिक्स। हम नमक अभी नहीं डालेंगे, नमक हम थोड़ी देर के बाद डालेंगे क्योंकि हम चाहते नहीं हैं इसका पानी ज़्यादा निकले। अब आप अपना एयर फ्रायर लीजिए। तो मैं ये फ्राइज़ को बनाऊँगी एयर फ्रायर में, तो एयर फ्रायर को हम करेंगे पहले प्रीहीट। तो प्रीहीट के लिए मैंने इसको 10 मिनट के लिए 200 डिग्री सेल्सियस पे प्रीहीट कर लिया। अब हम इसमें फ्राइज़ को सेट करेंगे। आपने फ्राइज़ को इस तरीके से सेट करना है कि वो थोड़ी सी खुली खुली सेट हो, अच्छे से हर तरफ उस पर एयर लगे, तो आप इस तरीके से उसको सेट कर लीजिए। अब फ्राइज़ को गरम गरम बास्केट में डालकर हम इसे फिर से 200 डिग्री सेल्सियस पे पकाएंगे। टाइम लगा रही हूँ मैं 15 मिनट। 15 मिनट के लिए हम इसे अच्छे से इसमें पकने देंगे। मेरे एयर फ्रायर के हिसाब से 15 मिनट लगे, डिफरेंट डिफरेंट एयर फ्रायर के हिसाब से डिफरेंट टाइम हो सकता है, 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं। अब 15 मिनट के बाद देखिए मेरी फ्राइज़ के ऊपर बहुत अच्छी कोटिंग आ गई है। तो मुझे इसे और क्रिस्पी करना है, तो मैं इसे थोड़ा सा इस तरीके से एक चम्मच की मदद से हिलाकर दोबारा रख दूँगी। अब आपके ऊपर है कि आपको उसे कितना क्रिस्पी खाना है। तो अगर आपको एकदम क्रिस्पी और चाहिए तो आप 10 मिनट और लगा लीजिए, वरना 5 मिनट के बाद भी ये बनकर एकदम तैयार हो जाएंगी। तो अब ये देखिए 10 मिनट के बाद मेरी फ्राइज़ कितनी बढ़िया लग रही हैं, कितनी क्रिस्पी हैं। आवाज़ से ही पता लग रहा होगा ना कि कितनी क्रिस्पी बनी है। तो बस आप इस पे नमक, चाट मसाला और इस तरीके से कोई भी चीज़ी डिप डालकर इसे गर्मा गर्म सर्व करिए, सबको बहुत पसंद आएंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे लिखकर ज़रूर बताएं, लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।